देख रहे हैं IBN 9 और मैं हूं कल्याणी महाजन आपके साथ। आइए मुखातिब होते हैं अभी के ताजा तरीन हालातों से। एक ओर जहां कोरोना संकट की इस घड़ी में ग्रामीण परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट बढ़ गया है, उसे देखते हुए शासन द्वारा शासकीय राशन दुकानों से ग्रामीण परिवारों को रोजी रोटी की समस्या दूर करने के लिए राशन दुकानों से एक मुश्त राशन प्रदान करने की घोषणा की गई है। लेकिन बुरहानपुर जिले के धूलकोक क्षेत्र में अगर देखा जाए तो चूल्हा जलने से पहले राशन दुकानों पर लोग अपना नंबर लगा रहे हैं, लेकिन राशन दुकानों पर ये लोग दिन भर भूखे प्यासे तपती धूप में अपनी बारी का इंतजार करते हुए खड़े हो थक जाते हैं। लेकिन इन लोगों को घंटों इंतजार के बाद भी राशन नहीं मिल पाता है, जिसका मुख्य कारण राशन दुकानों पर किसी प्रकार से शासन के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। तीन दिन है ये हम भूखे आते से 5 बजे रात में कंट्रोल नहीं मिल रहे, पहले अच्छी मिल जाती तो विश्राम का आता था। जब आप कितने दिन से यहाँ पर आ रहे कंट्रोल लेने के लिए? शनिवार भी न कल सोमवार भी रही तो मंगलवार भी आज भी बंद। क्या नाम आपका? जमुना भाई। यहाँ पे समस्या ये आ रही है कि यहाँ पे भीड़ बहुत है और बिल्कुल भी यहाँ के लोग बिल्कुल जिसमें लेडीज है बिल्कुल नहीं सुनती है दूर होने का। इतनी भीड़ रहती है कि पुलिस भी आ जाती है, डॉक्टर लोग भी आ जाते हैं, लेकिन यहाँ से भीड़ बिल्कुल कम नहीं होती, लेडीज से बिल्कुल नहीं मानती है। बाकी तो कोई समस्या नहीं है यहाँ पे। और आपके यहाँ पर पानी की व्यवस्था और छाव की व्यवस्था यहाँ पर क्या है? सर यहाँ पे पहले कोई व्यवस्था नहीं थी छाया की, सर मैंने अभी नेट हरी लेके आई हूँ, नेट की व्यवस्था पूरी है। पानी यहाँ पे पाइपलाइन अभी निकाली है लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं है, लेकिन मैं डब्बा भर के रखती हूँ पानी का तो सबको पानी देती हूँ। अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी यहाँ पे। और यहाँ पे सर टोल काटा अभी नहीं है तो मैं दूसरों का लेके आई हूँ, इसलिए ये दुकान लेट खुली है आज। आपका नाम? वीना गंगराड़े। खबरों का सिलसिला यूं ही बादस्तूर IBN 9 के साथ जारी रहेगा, आप बने रहिए IBN 9 पर। हर खबर का होता है असर, हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। अगर आपको पसंद है हमारी खबर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और आपके पास है अगर कोई विज्ञापन या खबर तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कॉल करें।